बिल्कुल लंबे लंबे होके फूल जाएंगे दोस्तों, देखना। ये पक्के हो गए हैं तैयार दोस्तों। मैंने अपना आईफोन का केबल तोड़ दिया, ये देखिए अब कैसे फोन चार्ज करूंगा। ये गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज सुबह सुबह मैंने क्या किया, अपना आईफोन को जो है मैंने रिस्टोर मार दिया, क्योंकि स्पेस बहुत कम पड़ रहा था। तो फाइनली ठीक हो गया अभी, लेकिन सेटअप करने के लिए मुझे थोड़ा सा दूर नेटवर्क में जाना पड़ेगा। अभी घर पे हूँ, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, तो ऐप वगैरह डाउनलोड करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। और सुबह सुबह मम्मी और जेरी ने जो है काम स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे लकड़ियाँ जमा करने का। देखो जेरी पूरा सजा रहे बिल्डिंग की तरह। और यहाँ लकड़ियों के अंदर में ये जो गैप दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें हमें एक मिलता है लार्वा और उसे हम लोग खाते हैं। ये देखिए लकड़ी का लार्वा बहुत ही टेस्टी होते हैं भाई। ये किसी किसी को तो देख के डर लग रहा होगा, ये क्या कीड़े मकोड़े खाते हो, बिल्कुल चाइनीज की तरह कहते होंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत खाया जाता है दोस्तों। तो हमारे इंडिया का जो है बहुत डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, तो किसी को मतलब क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए सब चीज़ों में, क्योंकि हम ट्राइबल लोग हैं, हम लोग जो है जनजाति लोग हैं, बहुत खाते हैं हम लोग ऐसे, मतलब पेड़ों में पाए जाते हैं। इंग्लिश में शायद इसे राइनो बीटल लार्वा समथिंग लाइक दैट कहते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आज हम लोग ये पका के खाएंगे। ये देखो देखने में तो डरावना लगता ही है, बस किसी किसी को तो डरावना भी लग भी रहा होगा, बट तुम ही नहीं खाते हो। देखो अपने मतलब सिर्फ ट्राइबल लोग नहीं खाते हैं, कोई कोई नॉन ट्राइबल वाले अपने मेनलैंड इंडिया वाले भी खाते हैं, और अपने ट्राइबल इलाके में भी अपने कुछ लोग नहीं खाते, जैसे कि जेरी। देखो जेरी नहीं खाती है बोल रही है, लेकिन हम बहुत खाते हैं, बचपन से हम लोग बहुत शौकीन है, स्पेशली मम्मी ने निकाले है। ये देखो मम्मी एक्सपर्ट है, इसे हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं गासपुक। और ये जो है बड़ा होने के बाद ना कुछ इस प्रकार का बनता है, ये देखिए इसे कहते हैं सोरबीफुक, हम अपने लैंग्वेज में सोरबीफुक कहते हैं। ये जो है बीतल होता है, ये पेड़ के अंदर में पाया जाता है। और मम्मी ने इसके साथ साथ ये भी जमा किया, देखिए ये अलग ही वैरायटी का आलू है, ये बिल्कुल पेड़ के ऊपर में लगता है, एक लता होती है तो लता में जो है ये लगता है, इसे हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं फुरुरेंग आलू। अभी ये जो लार्वा है दोस्तों, इन्हें मैं सफाई करूंगा इनकी, उसके बाद पकाऊंगा मैं। कैसे पकाएंगे हम पूरा दिखाएंगे, इसके दांत देखिए पूरा डेंजर। ये देखिए दोस्तों अपने जो राइनो बीटल लार्वा है उनकी सफाई हो चुकी है। ये देखिए अंदर में बिल्कुल ऐसे निकलता है, बिल्कुल ये प्रोटीन में बहुत ही रिच होते हैं, और ये बड़ा होने पर कुछ ऐसा बन जाते हैं। तो मैंने इनके सोच को काट के फेंक दिया है, क्योंकि उनके दांत जो है बहुत चुभते हैं। तो अभी इसे फ्राई करके खाएंगे हम। ने बर्तन को दे दिया तावे पे, जैसे ये गर्म होगा इसमें हम तेल देंगे, और इसमें जो अलग चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसमें बस हम नमक देंगे और हल्दी देंगे और तेल में फ्राई करेंगे बस। और यहाँ पे जेरी सरसों के साग पका रही है, हम लोग का ब्रेकफास्ट करने का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे हल्की सी नमक मिलाते हैं और हल्दी, ये देखिए बस इतना काफी है, अब कुछ देने की जरूरत ही नहीं इसमें। तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है दोस्तों, अब ये बिल्कुल लंबे लंबे होके फूल जाएंगे दोस्तों, देखना बिल्कुल लंबे हो जाएंगे। ये देखिए फूल रहे, ये वाला फूल रहे, बिल्कुल ट्रेन की तरह लंबे लंबे हो जाएंगे। अब देखिए लंबे लंबे हो रहे हैं धीरे धीरे, बिल्कुल ट्रेन की तरह, ये देखिए लंबे हो रहे हैं। ये देखिए अभी खा के दिखाता हूँ, भाई बहुत गर्म है। ये है अपना राइनो बीटल लार्वा, पूरा प्रोटीन में रिच होता है, ये देखिए अंदर में ये बिल्कुल प्रोटीन है। ये पक्के हो गए हैं तैयार दोस्तों, और यहाँ पे सरसों की साग पक रहा है, उसके बाद जैसे ही ये हो जाएगा हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। अब इतना फैट है दोस्तों, यहाँ देखिए इतना ज्यादा फैट निकला है, बहुत ही फैट में भी और प्रोटीन में रिच होते हैं ये। देखिए ये जूस तो वाह कितना ही जूसी है, ये पूरा चावल के साथ मिक्स करके खाने से बहुत ही मजेदार। अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम है दोस्तों, ये देखिए ब्रेकफास्ट में ये बीन की सब्जी, यहाँ पे कुमुरा
ड्राई फिश के साथ, और ये है अपना सरसों के साथ, और वन एंड ओनली यहाँ पे है अपने राइनो बीटल लार्वा। भाई इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद खाने को मिल रहा है आज। ये देखिए दोस्तों, राइनो बीटल लार्वा ऐसे खाते हैं। हम सभी का ब्रेकफास्ट हो चुका है दोस्तों, काफी देर हो चुका है एंड अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, और ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ मम्मी लोग पता नहीं क्या कीड़ा जाग गया, ये लोग फिर से ये खा रहे हैं अपना लोकल आलू। ये जंगली आलू जैसा ही है लेकिन घरेलू होता है। ये अलग ही वैरायटी का है भाई, ये देखो काले काले है ना, अंदर में छिलने से ऐसा है, लेकिन मम्मी खा रही है। मंजिता भी खा रही है। ये देखो ये लताओं में लगती है, पूरा लंबे लंबे लताएं होती है। ये देखो, ये देखिए बिल्कुल काला है, अंदर में थोड़ा सा पिंक पिंक कलर का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है ये वाला आलू, बिल्कुल अंडे छिलने की तरह। मुझे जो है काफी परेशानी हो रही है मेरा फोन रिस्टोर करने के बाद, उसमें काफी सारे डेटा इधर उधर हो गए हैं, अपना व्हाट्सअप पूरा फेसबुक वगैरह सब कुछ मतलब नया से वो करना पड़ रहा है मुझे। तो मतलब आई क्लाउड में वो करने से हो जाता है फोन में, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गया था मेरा, तो घर में पूरा इतना नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। मैं अभी तक अपना ये क्या कहते हैं व्हाट्सअप को भी मतलब सेटअप नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी जाना पड़ेगा मुझे आलूबारी, जहाँ पे नेटवर्क मिलती है। बितुल भैया को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उन्हें भी नहीं लग रहा, पूरा गाँव में नेटवर्क नहीं है आज। तो वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर अपना सेटअप वगैरह जो भी करूँगा, साथ में लेके जा रहा हूँ पावर बैंक, ताकि फ़ोन की चार्ज जो है बरकरार रहे। आया था बितुल भैया के घर मतलब आलूबारी जाने के लिए उसके बाइक पे, लेकिन यहाँ आते ही मेरे साथ एक हादसा हो गया भाई, क्या करूँ यार, पता नहीं दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए मैंने अपना आईफोन का केबल तोड़ दिया, ये देखिए अब कैसे फ़ोन चार्ज करूँगा। ये देखिए आसानी से तो मिलने वाला नहीं है। मैं इसमें प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने पावर बैंक पे और फ़ोन यहाँ पे चार्ज करके यहाँ पे रखा था, और पता नहीं कैसे कैसे गिर के टूट गया। मैं तो मतलब क्या करूँ यार, परेशान हो गया हूँ। देखिए मतलब इसका जो चार्जर बॉक्स होता है एडेप्टर, वो भी ख़त्म हो गया था, मैं केवल पावर बैंक से अब तक चार्ज दे रहा था, अब तो वो भी नहीं कर पाऊँगा। पता नहीं अब ब्लॉक कैसे डालूँगा, चार्ज ही नहीं रहेगा फ़ोन तो कैसे डालूँगा, परेशान हो गया हूँ। अभी जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मिलता भी नहीं अपने आसपास में आईफोन के चार्जर ना, तो क्या करें अभी, कहीं से तो ढूंढना पड़ेगा, शायद तिनसुकिया में जाना पड़ेगा, अभी तेजू में मिलता है कि नहीं पता नहीं, पूछ के देखना पड़ेगा। अभी घर आ गया हूँ, पूरा टेंशन हो गया यार, मैं इधर उधर कॉल लगा रहा हूँ, कहीं पे नहीं मिल रहा है मुझे चार्जिंग का केबल, लेकिन कल शायद तेजू में मिल सकता है, तेजू में जाके देख लेंगे आज या फिर कल। बहुत परेशान हो गया हूँ, अभी ब्लॉगिंग कैसे करूँगा, चार्ज ही नहीं रहेगा। तो वैसे बितुल भैया का अभी है आईफोन, उसका उधर मैं चार्ज कर सकता हूँ, और मनोज का भी है, बट खुद का जब तक नहीं होता है ना बहुत परेशानी होती है। दोस्तों मैं पूरा परेशान सा मतलब बैठा हुआ था, और फाइनली मेरा दोस्त लोग आ चुका है, मनोज हमारा अरवान एंड ओनली अरिजीत ब्रो, एंड मनोज ने ला दिया उसका आईफोन का ये केबल अभी फिलहाल के लिए टेम्पोरेरी काम चलाने के लिए, और इसने मेरे लिए एक ला दिया है चीज टन टन, वहाँ देखिए टेन दोस्तों। तो उस टेन पे हम लोग, मैं और जेरी अभी प्लान कर रहे हैं हम लोग एक रात जंगल में बिताने के लिए, तो वेट कीजिएगा कल परसों तक आ जाएगा वीडियो ना दोस्तों। अभी मैं आया हूँ अपने मनोज दोस्त के यहाँ, इसके रिजॉर्ट में नेटवर्क की तलाश में ना, उसका मतलब फोन में चार्ज कर सॉरी उसके चार्जर में अपना फोन चार्ज कर रहा हूँ, और यहाँ पे नेटवर्क भी अच्छी खासी मिलती है, तो यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे आने का साथ साथ मुझे मिल गए है। मैं तुझे इधर आ गया, मैं नेटवर्क की तलाश में इधर आना ही पड़ा मुझे, मेरे घर में चल ही नहीं रहा। घर में फैन देखा अच्छा, मेरे घर में इसने टेन देखा, तो आप लोग को बताया ना मैंने कुछ दिन बाद आने वाला धमाका। हाँ। और ये अरिजीत ब्रो का टेन था वो। अभी हम यहाँ से भी घर चले जाएंगे दोस्तों, और ये लोग अभी बाइक निकाल रहे हैं, बितुल भैया भी जाएगा, मैं बितुल भैया के साथ जाऊंगा। वाओ ये क्या जीरो कटिंग मारेगा, और मोबाइल गिरा दिया इसने।
अभी हम पहुंच गए अपने घर दोस्तों। मुझे पहुंचाने आया था बितुल भैया, लेकिन वो फिर से घर चला जाएगा बोल रहा है। तो अभी ये चला जाएगा अपने घर और मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूंगा। और यहाँ पे तो टेंट रखा हुआ हूँ, कल मैं कहीं पे जाने वाला हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने टेंट मंगाया था अपने दोस्त का, अरिजीत का। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। तो ये है दोस्ती दोस्तों, ये है अपना फ्रेंड सर्कल। जितने भी हम लोग दोस्त है, एक दूसरे का मदद करते रहते हैं हम लोग। जैसे आज मेरा आईफोन का चार्जर खराब हो गया, मनोज ने ला दिया, और वहाँ से मतलब मनोज लोग का साथ गया था, आते वक्त जो है मैं बितुल भैया के साथ आ गया। तो इसे एक दूसरे का मदद करते रहना चाहिए। तो अभी जो है मैं बैठ के वीडियोज वगैरह एडिटिंग करूँगा, क्योंकि अभी करना है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आज मैंने मतलब फ़ोन को रिस्टोर मारा है ना, रीसेट कर दिया, तो उसका वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है मुझे, और ऊपर से मेरा चार्जर भी ख़राब हो गया, तो वह बार बार मतलब वही प्रॉब्लम। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। पीछे में अपना टेंट रखा हुआ है, तो उसमें हम लोग कल कैंपिंग करेंगे, और ऐसे ही कैंपिंग हम लोग करने जाएंगे अपने अरुणाचल प्रदेश में जो फेस्टिवल होने वाला है दीपा विलेज में। तो आप लोग जरूर से आइएगा उसमें। मैं कल के वीडियो में भी बता दिया था आप लोग को, सलमान अली आने वाला है, एंड रितो रिबा, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आएंगे, तो मैं भी जाऊँगा। वहाँ पर कैंपिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, मौज मस्ती, मज़ा आएगा दोस्तों होलीडे के टाइम पर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो है अपना वीडियो में आप लोगों ने देखा, जो अपना कीड़ा मकोड़ा जो है, अपना जो राइनो बीटल लार्वा है वो खाया हम लोगों ने, बहुत ही अपना ट्रेडिशनल एथनिक फूड है वो। तो किसी किसी को तो घिन लगता होगा, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना भारत जो अपना हिंदुस्तान पूरा डाइवर्सिटी से है ना पूरा, तो उसमें जो है अलग अलग तरह के वैरायटी के फूड आपको देखने को मिलेंगे। आप दूसरे हर एक स्टेट में एक एक आपको स्पेशल फूड देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।